हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको ड्रॉ करके खाने वाला हूँ रोहित शर्मा की ये वाली फोटो का स्केच। बिल्कुल अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम इस स्केच की पहले आउटलाइन बनाएंगे और फिर इसमें शेडिंग करेंगे। ये रेफरेंस फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप फोटो को डाउनलोड कर लेना। और अब इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से ग्रिड ड्रॉ करनी है, जिसमें होंगी 6 रोज और 5 कॉलम्स, ठीक है। और इसमें ये एक स्क्वायर की साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, जैसा कि मैं हमेशा लेता हूँ। A4 साइज़ का पेपर है ये भी, तो एक स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ प्लेट निकाल लेना। इंपॉर्टेंट रोज कॉलम्स मैं मार्क कर देता हूँ साइड पर, तो वो होगा 2nd, 3rd, 4th। तो कॉलम भी 2nd, 3rd और 4th। ये क्यों मैंने मार्क किया है, क्योंकि 2nd रो में हम बनाएंगे आईज़ और आईब्रोज, 3rd रो में बनाएंगे नोज़, 4th रो में बनाएंगे लिप्स। और कॉलम्स की अगर बात करूँ तो 2nd रो में एक आई और आईब्रो बनेगा, 3rd में नोज़ और लिप्स बनेंगे, और 4th में दूसरी आई और आईब्रो बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, 2nd वाली रो में आईज़ और आईब्रोज बनेंगे। तो चलो पहले आईज़ से स्टार्ट करते हैं। बस इस तरह से आईज की आउटलाइंस बन जाएंगी। अब आईब्रोज बनाएंगे। और हाँ, अभी जस्ट हम रफ़ आउटलाइंस ही बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। अभी रफ़ आउटलाइंस बनाने का मतलब बस यही रहता है कि हमें बाद में जब शेडिंग करनी हो तो आइडिया अच्छे से रहे कि कहाँ पे हमें शेडिंग करनी है। तो इसलिए आप रफ़ शेप्स बनाओ, जैसे भी रेफरेंस फोटो में आपको शेप लग रही है उस तरह से बस हल्के हल्के आपको रफ़ आउटलाइंस बनानी है। जब इसमें शेडिंग करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर शेप बना सकते हैं उस टाइम। जैसे कि यहाँ पे आप ये शेप दे सकते हो, ऑब्वियसली आईब्रो नहीं है नीचे की तरफ, आईब्रो तो ऊपर वाले ही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में कि डार्क शेडिंग करनी है नोज़ के साइड पे, थोड़ा आइज़ के ऊपर इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये शेप इस तरह से बना दी है ताकि पता रहे कि यहाँ पे शेडिंग करनी है। अब हम ड्रॉ करेंगे नोज़ की आउटलाइंस।
बस नोज की आउटलाइंस इतनी सी बनानी है, बाद में इसकी प्रॉपर शेप डार्क शेडिंग करके ठीक करेंगे नॉस्ट्रिल्स की। अब हम ड्रॉ करेंगे मूछों की आउटलाइन। अब हम लिप्स और माउथ भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। एक तरह से आप देख सकते हो जो मूछें हमने ड्रॉ की है वो एक तरह से अपर लिप्स की भी आउटलाइन वहीं से बन गई है। अब यहाँ पे लोअर लिप भी बना देंगे। लिप्स के नीचे थोड़ी सी जो बियर्ड है वो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। अब इसी तरह से बियर्ड की भी आउटलाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब फेस की पूरी आउटलाइन बनाएंगे हम, तो वो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से आपको ठीक लगे। चाहे तो बियर्ड को ही ऐसे यहाँ से कंटिन्यू करते करते आप फेस की आउटलाइन बना दो, या पहले हेयर की आउटलाइन बना दो, जहाँ से आपको ठीक लगे। मैं स्टार्ट करूँगा फोरहेड से। ये मार्किंग्स को मैं इरेज कर दूंगा। अब हेयर की आउटलाइन बना लूंगा और कानों की भी आउटलाइन बना लूंगा। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं नेक और जर्सी के कॉलर वगैरह। तब मैं ग्रिड लाइंस को इरेज कर दूंगा। सो ग्रिड लाइंस को मैंने इरेज कर लिया और इसी के साथ आउटलाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूंगा तो तब हम इसमें शेडिंग करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक मुझे इसमें दिख रही है, नॉस्ट्रल की शेप थोड़ी सी शायद बड़ी बनेगी, तो इसको या तो शेडिंग के टाइम ठीक कर लेंगे या अभी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि शेडिंग के टाइम हम मिस्टेक्स ठीक कर लेंगे और प्रॉपर शेप्स बनाएंगे। आउटलाइन का प्रोसेस सिर्फ रफ आइडिया के लिए होता है कि कहाँ पर हमें शेडिंग करनी है, तो जो जो मिस्टेक रहेगी वो शेडिंग के टाइम अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब आप भी इसकी आउटलाइन बनाओ और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसमें हम मैं आपको बताऊंगा कैसे स्केच को कंप्लीट करना है, कहाँ पे कौन सी पेंसिल्स यूज़ करके शेडिंग करनी है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक बार पहले भी मैंने रोहित शर्मा के स्केच का ट्यूटोरियल अपलोड किया था, बट उसका सेकेंड पार्ट जो था शेडिंग वाला, वो पता नहीं किसी रीज़न से यूट्यूब से डिलीट हो गया था।
तो इसलिए मैंने एक और नया ट्यूटोरियल बना दिया रोहित शर्मा का। कोई चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।